नमस्कार किसान भाइयों, प्रबंधकीय कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करती हूँ। क्या हुआ, आप यही सोचने लगे ना कि कृषि दर्शन और प्रबंधन, इस सब का क्या संबंध है? अरे भाई, आज जब पूरी दुनिया मैनेजमेंट यानी प्रबंधन पर इतना जोर दे रही है, वहीं हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम तो वर्षों से आपको प्रबंधन का पाठ पढ़ाते आ रहा है। क्या हुआ, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है ना? अरे भाई, आप कृषि में जो नित नए प्रयोग कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, ये प्रबंधन की वजह से ही तो है। अब भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप फिक्र मत कीजिए। चलिए, आज का ये पूरा एपिसोड ही हम प्रबंधन को पाठ सीखने में ही समर्पित कर देते हैं। ओ गॉड, अनुभूति मेरा वेट कर रही होगी, क्योंकि उन्हें आपको कृषि जगत की खबरों से और मंडी भाव से जो रूबरू कराना है। तो चलिए, मैं अभी इस कार्यक्रम की बागडोर अनुभूति को सौंपती हूँ और आप देखिए खबरें खेती की और मंडी भाव। हम फिर मिलते हैं कृषि जगत की खबरों के बाद। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। कृषि छात्रों के सहयोग से होगा कृषि विकास, माइक्रो इरिगेशन क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश, 3 दिवसीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला, जैविक तरीके से चने का इल्ली से बचाव और कीटनाशकों के छिड़काव में सावधानियां। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि देश में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए कृषि में प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को आगे आना होगा और उन्हें अपना अर्जित ज्ञान और कौशल कृषि एवं किसान कल्याण को समर्पित करना होगा। श्री सिंह ने यह बात नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में कही। राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसलों में माइक्रो इरिगेशन का क्षेत्र बढ़ाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार वृक्ष लगाने का कार्य प्राथमिकता से करें। सब्जी क्षेत्र के विस्तार के लिए मांग और आपूर्ति के अनुसार इस तरह योजना बनाएं जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करें जिससे बाजार में उद्यानिकी फसलों के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव से किसानों को नुकसान नहीं हो। उद्यानिकी फसलों में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के प्रयास करें। जिन उद्यानिकी फसलों की देश विदेश में मांग हो और बाजार में संभावनाएँ हों, उन फसलों का उत्पादन बढ़ाने की रणनीति बनाएं। उद्यानिकी फसलों में ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति को प्रोत्साहित करें। विभागीय अमले के प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करें। राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है। किसान प्रदेश में प्रकृति कृषि कर खेती की लागत को कम कर सकते हैं। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिस्नेन ने यह बात विगत दिनों राजधानी में आयोजित 3 दिवसीय शून्य बजट प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में कही। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में पद्मश्री सुभाष पालेकर, सांसद आलोक संजर, संचालक कृषि मोहन लाल मीणा सहित कृषि अधिकारी एवं 1250 किसान उपस्थित थे। इल्लियों से चने और कपास की फसल को अत्यधिक नुकसान होता है। इल्लियों से इन फसलों को बचाने के लिए जैविक नियंत्रण ज्यादा सुरक्षित एवं कारगर है। 10 लीटर गौमूत्र में 1 किलो नीम व बेल के पत्ते मिलाकर 15 दिनों तक रखें, फिर 100 ग्राम लहसुन डालकर इतना उबालें कि 5 लीटर रह जाए। 15 लीटर में 750 ग्राम मिश्रण मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से समुचित लाभ मिलता है। कीटनाशकों का छिड़काव करते समय विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। छिड़काव करते समय दस्ताने, रेस्पिरेटर मास्क एवं चश्मे का प्रयोग अवश्य करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े एवं जूते पहनकर छिड़काव करें। सुबह अथवा शाम को जब हवा की गति कम होती है तब छिड़काव किया जाना चाहिए। छिड़काव के समय यदि नोजल में कचरा आ जाए तो उसे मुंह से फूंक मारकर साफ न करें, अन्यथा दवा मुंह, नाक अथवा आँख में पड़ सकती है। खाली पेट दवा का छिड़काव न करें। छिड़काव करते समय अथवा मध्यांतर में धूम्रपान या तंबाकू का सेवन न करें। छिड़काव करते समय फवारे को अपने शरीर से दूर रखें तथा हवा की दिशा के विरुद्ध चलकर छिड़काव न करें। छिड़काव करने के पश्चात बचे हुए घोल को सावधानी पूर्वक खेत के किनारे बने गड्ढे में गिराएं और उसे मिट्टी से ढक दें। तो किसान भाइयों, ये थी आज की खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आइए सबसे पहले जानते हैं हरी मिर्च के भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 800 रुपए, अधिकतम 1500 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1000 रुपए, अधिकतम 1200 रुपए। देवास में न्यूनतम 1250 रुपए, अधिकतम 1650 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम 800 रुपए। आइए अब जानते हैं टमाटर के प्रति क्विंटल भाव। शाजापुर में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 100 रुपए, अधिकतम 400 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 100 रुपए, अधिकतम 200 रुपए। देवास में न्यूनतम 400 रुपए, अधिकतम 600 रुपए रहा। आइए अब जानते हैं प्याज के प्रति क्विंटल भाव। हरदा में न्यूनतम 200 रुपए, अधिकतम 400 रुपए। काला पीपल में न्यूनतम 200 रुपए, अधिकतम 450 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 300 रुपए, अधिकतम 500 रुपए। सावेर में न्यूनतम 500 रुपए, वही अधिकतम भी 500 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। धन्यवाद अनुभूति जी। और किसान भाइयों, अब वक्त है प्रबंधन को जानने का। वैसे अमरूद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। मैं भी भला क्या कह रही हूँ, आप और अमरूद को ना जाने ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन अमरूद में प्रबंधन के बारे में शायद हमारे सभी किसान भाई ना भी जानते हों। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि अमरूद ठंड के मौसम में आता है और हम सबको बड़ा पसंद आता है और हम सब इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अमरूद का प्रबंधन, जी हाँ, ये शायद आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ हो सकती है। देखिए, अगर ऐसा हो कि अमरूद आपको साल भर मिलता रहे तो कैसा हो? आप यही सोच रहे हैं ना कि ये कैसे मुमकिन है। जी हाँ, इसे ही अमरूद का प्रबंधन कहते हैं। अमरूद को जैम जैली बनाकर आप रख सकते हैं, सुखा कर रख सकते हैं। इसके अलावा आजकल अमरूद के फ्लेवर की यानी इसके स्वाद की आइसक्रीम भी बाज़ार में मिलती है। इसके अलावा अमरूद की जो पाचन की गोली है उसमें भी अमरूद का स्वाद मिल जाता है। और यही अमरूद का प्रबंधन है, जिसके ज़रिए साल भर आप अमरूद का लुत्फ़ उठा सकते हैं और मुनाफा भी ले सकते हैं।
इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं कैलाश चंद्र महाजन जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं गंज बासोदा कृषि महाविद्यालय में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अमरूद के मूल्य संवर्धित उत्पाद की, जैम एवं जेली की, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है जैम और जेली। जेली की आजकल चॉकलेटी भी आ रही है। इसलिए अमरूद जो है सर्दियों में बहुतायत से पाया जाने वाला फल है। यह सस्ता होता है, काफ़ी पौष्टिक भरा होता है तथा अमरूद जो है एक उपयुक्त फल है जैम एवं जेली बनाने के लिए। तो एक किलो अमरूद से जो जैम बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक किलो चीनी और लगभग एक लीटर शुद्ध पीने लायक पानी और लगभग 5 ग्राम साइट्रिक एसिड, जिसे कि हम लोग नींबू का सद भी कहते हैं, इनकी आवश्यकता होगी। तो जैम जो है आपका पेक्टिन एवं एसिड युक्त फलों के गूदे को चीनी के साथ एक निश्चित तापक्रम निश्चित समय तक उबाल कर तैयार किया जाने वाला पदार्थ होता है। तो अमरूद से जैम तैयार करने के लिए हम लोग जो पूर्णतया पके हुए एक समान आकार के अच्छे अमरूद लेते हैं तथा उन्हें रनिंग वाटर यानी कि नल के पानी में उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। उसके पश्चात अमरूद के छोटे छोटे से टुकड़े कर उनको लगभग 1 लीटर पानी के साथ हम लोग मध्यम आँच में लगभग 30 मिनट तक उबालते हैं तथा उबालते समय हम लोग टुकड़े को कुचलते रहे जिससे कि जो पल्प है या गुदा है आपका अमरूद का वो लुगदी जैसा बन जाए। तो लगभग आधे घंटे बाद हम लोग पल्प को आँच से उतारते हैं तथा उससे जो स्टेनलेस स्टील है उसकी छलनी से हम लोग उसे छानते हैं, जिससे कि जो भी अमरूद के बीज है उसमें या फिर अमरूद के जो भी छिलके वगैरह है उस लुगदी में या गुदे में, तो वो अलग हो जाए। इसके पश्चात छने हुए गुदे को हम लोग पुनः आँच पर रखते हैं तथा उसमें 1 किलो चीनी हम लोग क्रमशः, यानी कि चीनी एकदम से नहीं मिलाना, हम लोगों को धीरे धीरे उसमें मिलाते रहते हैं। इसके पश्चात उसमें चीनी मिलाने के पश्चात हम लोग जो 5 ग्राम साइट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सद भी कहते हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे उसमें मिला देते हैं और उसे पर्याप्त रूप से गाढ़ा होने तक हम लोग पकाते हैं। तो जो तैयार जैम की परीक्षा हम लोग रिफ्रेक्टोमीटर यंत्र आता है उसकी सहायता से भी हम लोग कर सकते हैं। जब तैयार जैम में जो TSS यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड या कुल विलेय ठोस की मात्रा जब 68% तक हो जाए तब हम लोगों को जैम तैयार समझना चाहिए। जैम तैयार करने में एक चीज़ ये भी है कि जब हम फलों को पकाते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो नष्ट हो जाती है। तो प्रायः जैम में जो रस भरी हम अनानास की हम लोग खुशबू मिलाते हैं जिससे कि हमारा जो जैम है वो सुगंधित बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग अमरूद से जैम तैयार कर सकते हैं तथा जैम जो अमरूद के अलावा और फलों से भी बनाया जा सकता है, सेब से भी बनाया जा सकता है, पाइनएप्पल या अनानास से भी बनाया जा सकता है, स्ट्रॉबेरी से भी बनाया जा सकता है। जो मार्केट में जो जैम उपलब्ध होता है वो एक से ज़्यादा फलों का उपलब्ध होता है, जिसे मिक्स्ड फ्रूट जैम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे अमरूद से जेली बनाने की। तो जेली जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो जैम है वो हम लोग गूदे से तैयार करते हैं फलों के, और जेली जो है फलों के शुद्ध जली रस से तैयार करते हैं। जेली जो है पेक्टिन एवं एसिड युक्त फलों के जलीय रस को चीनी के साथ एक निश्चित समय तक उबाल कर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है, जो कि तैयार होने पर पारदर्शक एवं अर्धठोस की अवस्था में आ जाता है। जैम पारदर्शक नहीं होता है जबकि जेली हमारी जो है पारदर्शक होती है। तो अमरूद जो है एक सर्वाधिक उपयुक्त फल माना गया है जेली बनाने के लिए, क्योंकि जेली तैयार होने पर जो अमरूद है, अमरूद से बनी जेली, उसका कलर बहुत ही पर्पिश रेड यानी कि बहुत ही चमकीला लाल कलर होता है, जो बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा जो अमरूद है उसमें पेक्टिन नामक रसायन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और जो कि जेल बनने की अवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जेली बनाने के लिए हम लोग 1 किलो अमरूद की यदि हम लोग जेली बनाएं तो उसमें लगभग 750 ग्राम चीनी और 1.5 लीटर शुद्ध पानी और लगभग 3 ग्राम साइट्रिक एसिड या नींबू के सद की हमें आवश्यकता होती है। तो हम लोग अमरूद की जेली बनाने के लिए अधपके फल लें अमरूद के, जैसे हमने जैम बनाने में पूर्णतः पके फल का उपयोग किया था उसी तरह से हम लोग जेली बनाने के लिए अधपके फलों का उपयोग करें, क्योंकि अधपके फलों में जो है पेक्टिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अमरूद की जेली
बनाने के लिए हम लोग अमरूद को वही साफ पानी से अच्छे से धोए, उसके बाद उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर हम उसको मध्यम आँच पर लगभग 45 मिनट तक उबालते हैं, और उबालते समय जो हम लोग टुकड़ों को कुचलते जाते हैं। इसके बाद 45 मिनट के बाद हम लोग उसे एक मलमल के कपड़े में एक पोटली बांधकर लटका देते हैं, जिससे कि जो रस है बूंद बूंद कर छनता है, और इसी रस से जेली आपकी तैयार की जाती है। तो जब पर्याप्त रूप से सारा रस उसका छन जाए मलमल के कपड़े से, तो उस रस को हम पुनः आँच पर रखते हैं, और उसमें लगभग 1 किलो चीनी जो है, ये लगभग 750 ग्राम चीनी जो है धीरे धीरे हम मिलाते हैं। उसके बाद उसमें लगभग 3 ग्राम साइट्रिक एसिड भी मिला देते हैं, तो उन्हें पर्याप्त जेल बनने की अवस्था तक हम उसे पकाते हैं। तैयार जेली की जो परीक्षा हम लोग रिफ्रेक्टोमीटर से कर सकते हैं। जब रिफ्रेक्टोमीटर पर हम उबलती हुई जेली की कुछ बूंदें डालें और कुल विलेय ठोस की मात्रा जब 65% हो जाए, तो हम लोगों को जेली तैयार समझना चाहिए। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप, किसानों का खुला मंच। नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। लेकिन ये क्या, रामदीन और राजा राम तो यूं ही बैठे हुए हैं, लगता है उन्हें अभी भी ठीक तरह से समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो फसल होती है उसके अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से करें। इसके बाद आपके मन में कोई भी संशय शेष नहीं रहेगा, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं ए के सिंह जी। मृदा में 80 से अधिक पोषक तत्व हैं जो जिनको विभिन्न फसलें आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती हैं, लेकिन कुल 17 पोषक तत्व ऐसे हैं जो किसी भी फसल के लिए अनिवार्य हैं। उन 17 पोषक तत्वों में नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक द्वितीयक पोषक तत्व हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार इन पोषक तत्वों की पूर्ति यदि हम केवल रासायनिक उर्वरकों द्वारा करना चाहें तो यह संभव नहीं है, और यही कारण है कि हमारे मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी हो रही है और मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आजकल किसान भाई जो अपने खेतों में प्रयोग करते हैं विभिन्न फसलों में, केवल यूरिया और DAP का उपयोग करते हैं, और इनसे केवल 2 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, नत्रजन और फास्फोरस, वो भी आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से इसकी आवश्यकता की पूर्ति हम फसलों के अनुसार नहीं कर पाते, जिस कारण हमारे फसलों का उत्पादन कम रह जाता है और मृदा स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो हमें मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, ताकि मृदा स्वास्थ्य बरकरार रहे, उत्तम रहे, और विभिन्न फसलों का उत्पादन हमें अच्छा से अच्छा प्राप्त हो सके। इसके लिए यदि हम गेहूं की बात करें, रबी फसलों में गेहूं एक मुख्य फसल है,
जो प्रायः पूरे मध्य प्रदेश में जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। गेहूं में दो प्रकार की गेहूं की फसलें ली जाती हैं, एक अर्ध सिंचित और दूसरा सिंचित। सिंचित गेहूं में 160-140 किलोग्राम एनपीके की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए यदि हम बात करें कि इसको हम जैविक स्रोतों के माध्यम से और रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से यदि इनको पोषक तत्व प्रदाय करें तो इसमें कम से कम 6 से 7 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर, और इसके अलावा ये 6 से 7 टन कंपोस्ट 25 से 30% एनपीके की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, और साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है इनके द्वारा प्रतिपूर्ति इस फसल में हो जाती है। शेष 70 से 75% के लिए हम उर्वरकों का उपयोग करें तो ये एक उत्तम विकल्प है, और इससे हमारा मृदा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। साथ ही अर्ध सिंचित गेहूं की यदि बात करें तो 60-40-20 किलोग्राम एनपीके प्रति हेक्टेयर अर्ध सिंचित गेहूं में आवश्यकता होती है। इसके लिए 3 से 5 टन कंपोस्ट जो 25 से 30% एनपीके की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है, साथ ही सूक्ष्म एवं द्वितीयक पोषक तत्वों की पूरी मात्रा की पूर्ति लगभग इससे हो सकती है। तो इस इतनी मात्रा में हमें कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए, और शेष मात्रा 70 से 75% जो पोषक तत्वों की मात्रा है इसके लिए हम उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार दलहनी फसलों में यदि चना और मसूर की बात करें तो कम से कम 3 टन कंपोस्ट का उपयोग लाभदायक है, और यही अनुशंसित भी है। 3 टन यदि कंपोस्ट का हम उपयोग करते हैं तो 1/3 पोषक तत्वों की मात्रा की हम पूर्ति कर सकते हैं, मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूरी मात्रा हम लगभग इसके माध्यम से प्रदाय कर सकते हैं। शेष जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनकी 70 से 75% मात्रा के लिए हमें उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न जो जैविक स्रोत हैं इनका उपयोग हमें खेती में करना होगा ताकि मृदा स्वास्थ्य बरकरार रहे। विभिन्न जैविक स्रोतों में यदि हम बात करें तो केचुआ खाद जो आमतौर पे कई किसान भाई जो है अपने यहाँ बनाने लगे हैं, केचुआ खाद एक सर्वोत्तम खाद है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में यदि देखें तो पार्थेनियम गाजर घास एक बहुत ही समस्या है। पार्थेनियम की कंपोस्ट यदि हम बनाएं, फूल पर आने की अवस्था से ठीक पहले यदि पार्थेनियम की कंपोस्ट बना लें तो ये सामान्य जो गोबर की खाद है कंपोस्ट है इससे 3 गुना अधिक पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो इन सभी स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जैविक स्रोत लिक्विड तरल रूप में उपलब्ध हैं, जैसे जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी, बायोडाइजेस्टर, इन सभी का उपयोग यदि हम फसलों में आधार रूप में और खड़ी फसलों में यदि करते हैं तो इनसे विभिन्न पोषक तत्वों की और साथ साथ विभिन्न हार्मोन्स, विभिन्न एंजाइम्स की पूर्ति हम फसलों में कर सकते हैं, जो फसलों के लिए अति लाभदायक हैं और पूर्ण रूप से शुद्ध एवं जैविक हैं। तो इन सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए यदि हम पोषक तत्व प्रबंधन करें तो निश्चित रूप से हम अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे और मृदा स्वास्थ्य भी बेहतर रख सकेंगे। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे, अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी, ना हो परेशान क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। Thank you.
वाह, अब तो रामदीन और राजा राम के चेहरे की मुस्कुराहट भी बता रही है कि उन्हें भी सब कुछ समझ में आ गया है। ये वो समझ चुके हैं कि कृषि में प्रबंधन का क्या महत्व है। वैसे हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन तो वर्षों से उन्हें प्रबंधन का पाठ पढ़ाते आ ही रहा है। तभी तो मैं कहती हूँ कि यदि बनाना है कृषि को लाभ का व्यवसाय तो देखना मत भूलिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। अब अगले हफ्ते तक कीजिए मेरा इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।